वी द पीपल, हम भारत के लोग। गर जिंदा रहना है तो अपनी पहचान खत्म करनी होगी। आपने अधिकतर भाषणों में सुना होगा कि हमें अपनी पहचान बनानी चाहिए। वो भाषण भी बिल्कुल ठीक हैं कि हमें अपनी पहचान बनानी चाहिए, और ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि हमें अपनी पहचान खत्म करनी होगी। हमें अपनी एकल पहचान, जो हमारी सिंगल आइडेंटिटी है, जो हमारा एकल होता है पहचान, वो ख़त्म करनी पड़ेगी, और हमको हम वाली पहचान, वी द पीपल वाली पहचान बनानी होगी। एकल पहचान कैसे होती है? मैं, मेरा, मुझको, मुझसे, मुझ में, मेरे द्वारा, मैंने, मेरा, मेरी, ये जितने भी मैं वाले शब्द हैं जिनमें मैं लगता है, ये एकल पहचान है। और जो सामूहिक पहचान है वो बनानी पड़ेगी वी वाली, यानी हम वाली, हम भारत के लोग वाली, हमको, हमारा, हम में, हमने, हमारे, हमसे, हमारे द्वारा, यानी जिसमें हम आता हो, वो आपको बनानी पड़ेगी। जब तक आप मैं, मेरा, मुझको, मुझ में, मेरे द्वारा, मुझसे, ये सब खत्म नहीं करेंगे, और हम, हमको, हमारा, हमसे, हमने, ये स्टार्ट नहीं करेंगे, हमारे वाला नहीं करेंगे, तब तक आप जीत नहीं पाएंगे, वरना आप मारे जाएंगे। जो लोग अपनी पहचान बनाते हैं, डॉक्टर की, प्रोफेसर की, इंजीनियर की, आर्किटेक्ट की, कोई बड़े अफसर की, क्लास वन की, क्लास टू की, प्रधान की, प्रधानी की, लेखक की, राइटर की, नाटककार की, गीतकार की, संगीतकार की, ये एकल प्रधान जितने भी हैं, या एकल अलंकार जितने भी हैं, या जितने भी पद और पोस्ट और ये प्रतिष्ठा हैं, ये सारी की सारी खत्म करनी पड़ेगी। ये जितनी पहचान है कि मेरा संगठन, मेरी संस्था, मेरी ऑर्गेनाइजेशन, मेरी एसोसिएशन, मेरी फेडरेशन, मेरा बुद्ध विहार, मेरा अंबेडकर विहार, मेरा कबीर विहार, मेरा ये, मेरा वो, ये सारे खत्म करने पड़ेंगे। अगर ये सारे खत्म आप नहीं कर पाओगे तो आप बचोगे नहीं। ये जितनी भी चीज़ें हैं जो आती हैं धम्म के अंदर, धम्म के जितने टुकड़े हैं कि ये मेरा संगठन, मेरा संगठन, मेरा संगठन, या जो सामाजिक हैं कि ये मेरा संगठन है, ये मेरी संस्था है, या जो राजनीतिक में ये मेरी पार्टी है, ये मेरा पार्टी है, ये मेरा पार्टा है, जो भी है, या जो सामाजिक संस्थाओं में आते हैं, या जो लड़कों ने बना रखे हैं दल, बल, सेना, संगठन, शक्ति दल वगैरह, जो भी कुछ हैं, पैंथर पार्टी, इन सबकी आइडेंटिटी, इन सबकी पहचान खत्म करनी पड़ेगी, एबॉलिश करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप मारे जाओगे, आप बचोगे नहीं, आप वहीं आ जाओगे जहां से बाबा साहब ने आपको उठाया था। और जब आप बचोगे ही नहीं, जब आप रहोगे ही नहीं, तो कैसा प्रोफेसर, कैसा डॉक्टर, कैसा इंजीनियर, कैसा पोस्ट, कैसा क्लास वन, कैसा आईएएस, कैसा पीसीएस, कैसा आईपीएस, कैसा आईएएस, कैसा आईटीएस, कैसा प्रधान, कैसा सचिव, कैसा संगठन, कैसा धमका जगह, कैसा अम्बेडकर भवन, कैसा कबीर भवन, जब कुछ बचेगा नहीं तो ये सारा ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। सरकारी अफसर तो अब बनेंगे नहीं, तो वो 10-15 साल में वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। समाज खत्म होना शुरू होगा तो संगठन खत्म हो जाएंगे। समाज बचेगा नहीं तो पद और प्रतिष्ठा दिखाओगे किसको? पढ़ने वाले जब बचेंगे नहीं, अनपढ़ रहेंगे, तो जो राइटर, लेखक लोग हैं या प्रोफेसर, डॉक्टर लोग हैं, वो किस पे अपनी दादागिरी दिखाएंगे? समाज ही नहीं बचेगा, दूसरा समाज तो पूछेगा नहीं उनको, वो सोचते होंगे दूसरा समाज। आप बन गए, आपका बेटा बनेगा नहीं तो आपका डिमोशन वैसे ही हो जाएगा। जो डिपार्टमेंटल डिमोशन होता है उसकी चिंता मत करना, आपका जो फैमिली का जो डिमोशन होने वाला है उसकी चिंता करना। आपके दादा खेती किसानी करते थे, मजदूर थे, आप क्लर्क बने, अफसर बने, आपका बेटा बड़ा अफसर बना, मगर उसका बेटा अब प्राइवेट सेक्टर में अफसर बनेगा अगर मौका मिला तो, किसी ने अगर उसकी जात नहीं पूछी या जात झूठी बताई तो। और जो उसका बेटा है उसे तो पढ़ने का मौका भी नहीं, तो वहीं आ जाओगे जहां से चले थे, क्योंकि अपनी जो एकल पहचान है, जो आइडेंटिटी है, वो आपने जान से ज़्यादा प्यारी अपने लगा के रखी। आपने बड़ा अहं, अहं, पाली में अहं का मतलब है अहं, मैं, इसको अहं बोलते हैं संस्कृत भाषा में, तो आपने अहं या अहम या मैं बहुत ज़्यादा पाला, और आपने अपने समाज को समाज नहीं समझा, उसको धिक्कारते रहे, अरे नालायक लोग हैं, कुछ जानते नहीं, मेहनत नहीं करते, देखो मैं पढ़ा, देखो मैं लिखा तो मैं ये बन गया, देखो मैं ये जानता हूँ तो ये बन गया, अरे ये तो निकम्मे लोग हैं, कुछ जानते नहीं। अरे भैया, वो जो निकम्मे लोग हैं, जो नकारा लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, उनकी सीट लेके बैठे हुए हो तुम, ये सीट तुम्हारे
पिताजी ने तुमको नहीं नहीं दी है, अगर वो दे रहे होते तो बहुत पहले मिल जाती, बाबा साहब से पहले मिल जाती। ये जो बाबा साहब के समय 7 करोड़ लोग थे या जो आज 25 करोड़ लोग हैं, 25 करोड़ लोगों का जो हिस्सा 14% मिलता है, उस 14% का रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व करते हो आप, उसकी जो टोटल कैलकुलेट होकर सीट मिलती हैं, वो सीट पे आप बैठे हुए, ये आपकी सीट नहीं है, ये आप प्रोफेसर नहीं हो, ये आप डॉक्टर इंजीनियर नहीं हो, ये आप IPS IAS या Class 1 या Class 2 या Class 3 अफसर नहीं हो, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको प्रतिनिधित्व दे रखा है कि हमारे ये लड़के हमारे ये लड़कियां इस प्रतिनिधित्व करेंगी, यहाँ ये नौकरी करेंगी। आपको सैलरी मिलती है, बहुत अच्छी बात है, आप अपना परिवार पालिए, परिवार को खूब पढ़ाइए लिखाइए, क्योंकि आप समाज के परिवार हैं, मगर जिनकी सीट आप लेके आए हो, अधिकार तो उनका है, राइट तो उनका है। अगर वो उस समय 7 करोड़ या आज 22-25 करोड़ ना होते तो 14% सीट नहीं होती। मान लो कि अगर वो सिर्फ 1 करोड़ ही होते तो 1 करोड़ के हिसाब से सीट मिलती, और वो अगर होंगे ही नहीं, 0 हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, अपने अधिकार के लायक नहीं बचेंगे, तो फिर आपकी सीट 0 हो जाएंगी, आपका रिजर्वेशन 0 हो जाएगा। कोई कह सकता है कि मैं तो अपने बिना रिजर्वेशन की सीट से आया हूँ, या प्राइवेट नौकरी करता हूँ, या मेरा रिजर्वेशन से क्या लेना देना, मैंने तो ना स्कॉलरशिप लिया ना ही मैंने रिजर्वेशन लिया, मैं तो अपने बल पर आया हूँ, अपनी सूझबूझ से आया हूँ, अपने ताकत से आया हूँ। तो भाई जरा रुको, आपके दादा और आपके परदादा क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि पढ़ाई का अधिकार नहीं था उनको, ये पढ़ने का अधिकार भी बाबा साहब ने दिया है, तो इतना अहंकार सही नहीं है। वो ठीक है, अच्छी बात है कि आप काबिल हो, काबिल आप पहले भी थे, अशोक के समय भी थे, आप पुराने राजा हो, मगर जो मौका दिया है वो बाबा साहब ने दिया है आपको पढ़ने का, अभी तो पे बैक करना है, बाबा साहब की बात को मानना है। क्या कहा बाबा साहब ने? कारवां को पीछे नहीं जाने देना है। तो कारवां तो गांव में रहता है, अनपढ़ लोगों में रहता है, आपका समाज मरने वाला है, आपका समाज मर रहा है, तो आप भी मरोगे। जिसका समाज मर जाता है वो व्यक्ति जिंदा नहीं रहता, दुनिया की हिस्ट्री है, जिनके समाज मर गए वो लोग मर जाते हैं, चाहे उनके पास कितना पैसा, कितना धन, कितना दौलत, कितना ज्ञान हो। और ज़्यादा दूर मत जाओ, सम्राट अशोक के समय आपके पास में सबसे ज़्यादा पैसा था, 26% GDP थी, देश की खूब सोना चांदी था, और आप पढ़े लिखे भी थे, जो शिलाओं पे लिखा हुआ पढ़ते थे, ज्ञानी थे, विद्वान थे, बिजनेसमैन थे, सारा काम आप करते थे, एडमिनिस्ट्रेटर भी थे आप, राजा भी थे, मगर आपका समाज टूटा, आपका संघ टूटा, आपकी शिक्षा चली गई, आपका पैसा चला गया, आपकी जमीन चली गई, आपकी जायदाद चली गई, आपके गले में हांडी और पीछे झाड़ू तक आ गई। बाबा साहब बड़ी मुश्किल से खींच तान कर यहाँ तक लेके आए और आपको स्पष्ट बताया कि आपको गांव में अपने लोगों तक पहुँचाना है, हर आदमी को मजबूत करना है। जिसका समाज मजबूत होता है उसके बहुत अवसर बनते हैं, उसके बहुत बिजनेस होते हैं, उसका बच्चा बच्चा सुखी रहता है, वो राज भी करता है। और जिसका समाज कमज़ोर रहता है, जिसका समाज मर जाता है, वो कितना भी मजबूत हो, कितना ही बड़ा अफसर हो, कितना ही बड़ा लाट साहब हो, वो सब मारे जाते हैं। क्या करेगा कोई आदमी, अगर किसी ने बहुत पैसा वैसा भी इकट्ठा कर लिया तो सोचेगा हमारा तो कुछ नहीं होगा, या कोई पावरफुल होगा तो हमारा तो कुछ नहीं होगा, सबसे अंत में होगा, सबसे अंत में वो मारा जाएगा, क्योंकि सम्राट अशोक के समय भी वही हुआ है। जो लोग राज दरबार में रहे या जिन लोगों के पास में धन दौलत रही वो भी मारे गए, उनके भी चिन्ह नहीं मिले, वो भी खत्म हो गए, क्योंकि समाज नहीं था पीछे बचाने वाला। इसलिए समाज की वैल्यू जो समझते हैं वो ये काम करते हैं। तो वी द पीपल में हम हैं, यानी हम भारत के लोग, ये मैं भारत के लोग नहीं हैं, हम हैं, ये आइडेंटिटी पूरी है। आपको अपनी एकल और सिंगल आइडेंटिटी जो पहचान है वो ख़त्म करनी पड़ेगी, और ये हम वाली पहचान आपको बनानी पड़ेगी। सारे संगठन आपको एबॉलिश करने पड़ेंगे, सारी छोटी मोटी संस्थाएं आपको ख़त्म करनी पड़ेंगी, आपको अपने पद प्रतिष्ठा और जो अहम और जो प्रधानी है वो ख़त्म करनी पड़ेगी। अगर जिंदा रहना है तो, अगर दोबारा प्रधान बनना है तो, अगर दोबारा IAS बनना है तो, अगर दोबारा अफसर बनना है तो, अगर दोबारा बिजनेसमैन बनना है तो, आपको ये सब ख़त्म करके हम में आना पड़ेगा। और टाइम ज़्यादा नहीं है, बहुत कम टाइम है, ये मौका है आपके पास में, अगर आपने ये सब नहीं छोड़ा। क्योंकि कुछ गिद्ध हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि हमारा समाज मरे और उनके पैरों में जाके हम पड़े और उनको नेता माने, वो मिलने को तैयार नहीं है, तो उनको लात भी माननी पड़ेगी ऐसे लोगों को। जो नेता अपना अहम त्यागना या अपने मैं को छोड़ना नहीं चाहता, उसको तुरंत लात मार देनी चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए, वो गद्दार है समाज का, समण समाज का गद्दार है, वो गिद्ध है, वो आपके मरने का इंतजार कर रहा है, कब आप मरो और कब वो आपका मांस नोचे, उसका मौका मत दो उसे।
वो गिद्ध को भूखा मार दो उसे, आप इकट्ठे हो जाओ, वी द पीपल के अंदर इकट्ठे हो जाओ, अपनी आइडेंटिटी बना लो। जो लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, जो लोग फेसबुक चलाते हैं, वो डब्ल्यू ई जो वी है उसको अपने अपने फेसबुक पे, अपने डीपी पे तेज़ी से लगाएं। ये हमारी पहचान बढ़ेगी। और वी द पीपल सारी जगह लिख दें, जिनको अपने संगठन से बहुत ज़्यादा प्यार है, अगर नहीं भी ख़त्म करना चाहते हैं तो उसको वी द पीपल उस पर लिखें, आधे तो कम से कम आओ। अगर अपनी पहचान नहीं ख़त्म करोगे या पहचान नहीं बदलोगे तो मारे जाओगे। लोग मारे गए हैं, यही इतिहास है, यही हिस्ट्री है। धन्यवाद।